आंगनबाड़ी केंद्रों सहित स्कूलों में महिला स्व सहायता समूहों के माध्यम से परोसे जा रहे भोजन और नाश्ते पर एक बार फिर संकट गहराने लगा है। प्रांतीय महिला व स्व सहायता समूह महासंघ मध्य प्रदेश ने 11 सूत्री मांगों को लेकर चूल्हा बंद हड़ताल के बाद अब 3 अक्टूबर से जल सत्याग्रह करने का निर्णय लिया है। इसकी चेतावनी गुरुवार को समूह पदाधिकारियों ने प्रशासन को ज्ञापन के माध्यम से दी। महासंघ पदाधिकारियों ने बताया कि अगस्त माह में हड़ताल के कारण जिले के स्कूलों में बच्चों को कई दिनों तक मध्याह्न भोजन नहीं मिल पाया था। शासन द्वारा मांगों के निराकरण का आश्वासन दिए जाने के उपरांत चूल्हा बंद अनिश्चितकालीन हड़ताल स्थगित की थी, लेकिन सिर्फ एक माह ही पूरी की। शेष पूरी न होने के कारण स्थगित हड़ताल पुनः 3 अक्टूबर से शुरू करने का निर्णय लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट खरगोन। 6000 में दम नहीं, 6000 से कम नहीं, 2000 में दम नहीं, 6000 से कम नहीं, कम है पैसा कम है दाना, कैसे दे बच्चों को खाना, कम है पैसा कम है दाना, कैसे दे बच्चों को खाना, अत्याचार कैसे दे। बोल दो ज्ञापन। ये किन मांगों को लेकर आप यहाँ हैं? यही हमारी जो मांगे हैं कि हमारे जो 12 मांगे थी उसमें से एक मांग पूरी हुई और बाकी जो 11 मांगे हैं उसी मांग के हिसाब से। मुख्य मांग क्या है? मुख्य मांग यही कि बच्चों का जो 8 रुपए आता है वो बढ़ा दिया जाए, और फिर 5 रुपए 45 पैसे में उनको भी बढ़ा दिया, 10 रुपए कर दिया जाए। ये मांग। क्या नाम लिखते हैं आप? सीता शैलेन्द्र पंती आटोदे, अध्यक्ष बोल रही हूँ जिला खरगोन से। आज हमारी ये मांग है कि आज के दिन में हमारे 2-2 महीने हो गए हैं, अभी तक खाद्यान्न तो मिल चुका है, पर जो अभी समूह महिलाएं जो खाना बना रहे बच्चों का, अभी 2 महीना हो गए हमको वो तो राशि भी नहीं मिली है, और ना रसोई की राशि हमारे पास अभी तक पहुंची है। और जो आंगनवाड़ी की महिला है जो 500 रुपये में काम कर रही है 1 महीने में, तो उनका भी अभी तक उनकी भी नहीं राशि डली है, ना पेमेंट आ रहा उस मान से 60% या 65% से मान से पेमेंट आ रहा, और वो हमारी पूर्ति जरा भी नहीं हो रही है। हमारा घर से खाना खिलाना पड़ता है, और हमारे घर में भी जो हमारा बच्चे हैं उनको हम क्या खिलाएं, किधर ये बच्चों को खिलाएं। हमारी सरकार से यही मांगे है कि हमारी मांगे पूरी करे, जो 11 मांगे हैं, 12 मांगे थी, एक मांग सिर्फ पूरी करिए, 11 मांग पूरी करे। अगर नहीं हमारी मांग पूरी करेंगे तो हम भूख हड़ताल पे बैठेंगे और जल स्थान करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सेवंती आटोदे, कसरात ब्लॉक अध्यक्ष। स्व सहायता समूह महासंघ की समस्त मध्य प्रदेश की माताएं विगत 25 सितम्बर से 12 सूत्रीय मांगों को लेकर सरकार के समक्ष ज्ञापन प्रदर्शन कर रही है, आवाज उठा रही है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा एक 12 सूत्रीय मांगों में से एक मांग माताओं की पूरी की गई है। जो 2000 रुपये प्रति माह मानदेय इनको मिलता था वह 4000 किया गया है, लेकिन 11 सूत्रीय मांगों पर अभी कोई शासन द्वारा प्रतिक्रिया नहीं दी गई है, जिसमें मुख्य मांग ये है कि आंगनवाड़ी में जो माताएं भोजन बनाती है उनको अभी भी वर्तमान में केवल 500 रुपये प्रति माह मानदेय दिया जाता है, जिसमें उन्हें नाश्ता भी बनाना होता है और भोजन भी बनाना होता है। अभी दूसरी मांग ये है कि प्राइमरी में 5 रुपये 45 पैसे प्रति बच्चे भोजन दर दिया जाता है। 5 रुपये में आज महंगाई का दौर है, कचौरी समोसा नहीं आ रहा है, चाय नहीं आ रही है, ये माताएं मेनू अनुसार भोजन किस प्रकार देगी? माध्यमिक विद्यालय में 8 रुपये प्रति बच्चा मिलता है, 8 रुपये में उन्हें मेनू अनुसार भोजन दिया जाना है। चूँकि एक तरीके से महंगाई का दौर है, तेल खाद्यान्न सारी चीज़ें सातवें आसमान को छू रही है, तो 8 रुपये में ये किस प्रकार मेनू अनुसार भोजन देंगे? रही राशि की बात, तो वर्तमान समय में पीएम पोषण आहार के तहत 100% राशि इन माताओं को मिलनी चाहिए, लेकिन केंद्र सरकार के द्वारा इन माताओं को 60% राशि दी जाती है, 40% राशि राज्य शासन के द्वारा देना होता है, लेकिन 60% जो केंद्र सरकार देती है वो तो इन माताओं का डल रहा है। ये 100% भोजन दे, 90% दे, 80% दे, इनका 60% राशि ही डलती है, तो एक प्रकार से यह अन्याय है इन माताओं के साथ जो बीपीएल कार्डधारी माताएं हैं। नंबर तीसरा मांग कि इतने महंगाई के दौर में 950 रुपये में आज वर्तमान में अभी 2 महीने से गैस सिलेंडर हुआ है, इसके पहले 1150 में होता था, तो ये माताएं 1150 में गैस सिलेंडर भरवाएं या इन बच्चों को भोजन करवाएं? तो माननीय मुख्यमंत्री जी से, आज सांसद महोदय जी से हम मुलाकात करेंगे। हमारा यही उनसे निवेदन है कि इन बीपीएल कार्डधारी माताओं की 11 सूत्रीय मांगों पर मंथन किया जाए,
और उन्हें जहां तक है वहां तक पूरा किया जाए, अन्यथा 3 तारीख से मध्य प्रदेश के 96,000 स्व सहायता समूह की 11 लाख माताएं अनिश्चितकालीन जल सत्याग्रह पर जाएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कमल चलवानिया है, मैं इंदौर संभाग प्रभारी हूँ। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।